स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। लगातार यहाँ पर जय हिंद के जो जयकारे हैं वो लग रहे हैं, लेकिन एक बात यहाँ पे देखने को मिली है कि युवा यहाँ पर रैली निकाल रहे हैं, वो बेढंग से यहाँ पर रैली निकाल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बाइकों में जो लोग हैं उन्होंने हेलमेट भी नहीं यूज़ कर रखा है, और साथ ही जो चार पहिया वाहनों में जो लोग जा रहे हैं वो भी बेतरीके से वाहन के ऊपर चढ़कर बैठे हुए हैं, जो एक बेढंग तरीका हमें देखने को मिला है। लेकिन इतनी भारी संख्या में हल्द्वानी में स्वतंत्रता दिवस पर रैली निकालना, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह से जो युवा है उनमें भीड़ है। तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊँ कि कितनी बेतरीके से ये जो युवा है वो रैली यहाँ पर निकाल रहा है, तो किस तरह की रैली यहाँ पर निकाली जा रही है इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि स्वतंत्रता दिवस है, आज़ादी हुई है, उसके बाद भी इतनी बेढंग तरीके से जो रैली है वो निकाली जा रही है। एक और तस्वीर अगर मैं आपको बहुत ही बेढंग तरीके से इस तरह की रैली का इंतजाम किया जा रहा है, लेकिन हैरानी इस बात की है कि पुलिस यहाँ पे खड़ी है, उसके बाद भी पुलिस की ओर से इस पर रोक नहीं लगाई जा रही है, और बेतरीके से जो लोग हैं वो आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। पूरी जो रोड है वो जाम कर दी गई है, और हूटिंग करते हुए लोग यहाँ से जा रहे हैं, उसके बावजूद भी आगे पुलिस स्टेशन है, किसी भी तरह के पुलिस कर्मचारी हमें तैनात नहीं दिख रहे हैं। मंगल पड़ाव से लेकर ये रैली जो है यहाँ तक पहुँच गई है, उसके बावजूद भी पुलिस का एक अधिकारी इस रैली को कवर करने नहीं पहुँचा है। इस बेतरीके से जो ये लड़के और जो ये युवा हैं वो जा रहे हैं, वो बहुत ही दुखद चीज़ है कि किस तरह से जो लोग हैं वो अपनी रैली निकाल रहे हैं। और पीछे अगर मैं आपको दिखाऊँ कि पूरा जाम जो है वो लग चुका है, और किस तरह से यहाँ पर ई रिक्शा जो है उसके ऊपर भी जो बच्चे हैं युवा हैं वो बैठे हुए हैं, तो क्या हो गया है युवाओं को, ये एक बड़ा सवाल है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि लगातार यहाँ से जितने भी अभी वाहन गए हैं, मीडिया यहाँ पे खड़ी हुई है, उसके बाद बावजूद भी यहाँ पर हूटिंग की गई है, हूटिंग के बावजूद भी किसी तरह का एक्शन नहीं लिया गया है। देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से ये जो युवा यहाँ पर रैली निकाल रहे हैं, जो देश की स्वतंत्रता दिवस आज़ादी के नाम पर ये जो रैली निकाल रहे हैं, क्या सही है इस तरह की रैली निकालना, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जिस तरीके से हमने यहाँ पे इनकी रैली देखी है वो बिल्कुल भी सही हमें नहीं लगी। शांति भंग करके लोग जो है वो रैली यहाँ पे निकाल रहे हैं, जो पूरा यातायात है वो बाधित कर दिया जा रहा है। एक बार कैमरामैन से कहना चाहूँगी, तस्वीर दिखाई कि किस तरह से जो यातायात है वो पूरी तरह से बाधित हो गया है, और हैरानी इस बात की है कि इस रैली में नाबालिग बच्चे भी शामिल हैं जो इस तरह की हूटिंग कर रहे हैं, वाहनों के ऊपर चढ़ के बैठे हुए हैं और बिना हेलमेट की सवारी कर रहे हैं। तो पुलिस से अपील करना चाहेंगे कि इस और एक्शन ले और इस तरह की रैली होने से रोके। तो अभी थोड़ी दूर हम आए और जिस तरह से हमने आपको दिखाया कि किस तरह से जो युवा है वो रैली निकाल रहे हैं, उसके बावजूद यहाँ पे हमें देखने को मिला है कि हल्द्वानी के जो कोतवाल है अरविंद चौधरी, उनकी ओर से यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। जिस तरह से हुड़दंगबाजी यहाँ पे की जा रही है उसके बावजूद भी यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तस्वीरें किस तरह से यहाँ पे देखने को मिल रही हैं कि जो हल्द्वानी के कोतवाल हैं वो लगातार यहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं, और किस तरह से युवाओं को खदेड़ा यहाँ पे जा रहा है, और आप देख सकते हैं कि गिरफ्तार भी उन्हें किया जा रहा है। यहाँ पे तस्वीरें आप देख सकते हैं कि नाबालिग बच्चे भी इस रैली में मौजूद हैं, और साथ में पुलिस के अदर कर्मचारी जो है वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो एक बात अच्छी यहाँ पे देखने को मिली कि हमने जब पहले आपको वहाँ पे तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह से वहाँ पे कर्मचारी मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें देखने को मिला है कि यहाँ पे लगातार ही कमेंटबाजी यहाँ पे हमें कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जो पुलिस है वो अपनी कार्रवाई कर रही है। लेकिन इतनी बड़ी शर्म इन लोगों को नहीं है कि यहाँ पे मीडियाकर्मी यहाँ पे खड़े हैं, उसके बावजूद भी जब ये मीडियाकर्मी पे कमेंटबाजी कर सकते हैं तो हल्द्वानी की लड़कियाँ किस तरह से सेफ रह सकती है, इसका अंदाज़ा भी आप लगा सकते हैं। और ये सिर्फ यहाँ पे नहीं है, आगे भी इस तरह की जो कारनामे हुए हैं वो हुए हैं, उसके बावजूद भी अगर तस्वीर में आपको दिखाऊँ कि यहाँ पे एक दो लोगों को गिरफ्तार यहाँ पे किया गया है, लेकिन हैरानी इस बात की है कि यहाँ पर कैमरा ऑन है, मीडिया यहाँ पे बात कर रही है, उसके बावजूद भी एक गाड़ी आती है, कमेंट करती है और सीधे चली जाती है। तो देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस और कब तक कार्रवाई करेगी। तो अभी हमने आपको दिखाया कि किस तरह से हल्द्वानी की पुलिस जो है वह तैनात है, आगे हमने जिस तरह के हालात दिखाए थे वहाँ पर कोई कर्मचारी हमें नहीं देखने को मिला था, सिर्फ एक महिला कर्मचारी वहाँ मौजूद थी, लेकिन यहाँ पर कोतवाली महज दो कदम की दूरी पर है, यहाँ पर कोतवाल हरिंद चौधरी हमें अलर्ट मोड पर देखने को मिले, गिरफ्तारी भी उनकी ओर से की गई है, और साथ ही हिदायत भी दी गई है कि वो अच्छी तरह से और कानून के दायरे में रहकर ये रैली निकालें। लेकिन इस तरह की रैली कि जो यहाँ से आते वक्त कमेंटबाजी कर रही हो, जाते वक्त कमेंट यहाँ से कर रही हो, हुड़दंग मचा रही हो, हूटिंग कर रही हो, इस तरह की रैली को परमिशन देना बिल्कुल भी जरूरी
जरूरी नहीं है, क्योंकि ये हल्द्वानी के लिए अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर किस तरह से जो माहौल इनकी वजह से क्रिएट हो रहा है वो बहुत ही बेकार हो रहा है, और हम अपील करना चाहेंगे कि इस तरह की रैली को, चाहे स्वतंत्रता दिवस की आड़ में इस तरह की परमिशन ली गई हो, इस तरह की रैली को बिल्कुल भी जो परमिशन है वो ना दी जाए। तो ये थी ग्राउंड जीरो से जेजेएन की खास रिपोर्ट। मैं निशा, अपने सहयोगी समय के साथ, जेजेएन न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।